सबन लोगों को गुड्डन भाभी की राम राम। हाँ पता है हमको तुम सबन की एक ही शिकायत है हमसे कि वह दिन पकौड़े बनाना सिखा दे, उसके बाद तो कछु बताओ नहीं। जे त्योहार भी निकल गए इतने सारे, कछु बता देते हम तो अच्छो सो कछु बना लेते, तो दे थोड़ी ना हुई है। अभी भी कितने मौके जे गणेश चतुर्थी आ गई तुम्हारी, और जे तुम्हारे अभी कितने सारे निरे त्योहार पड़े हैं जिनमें तुम कुछ कुछ बना सको। तो चलो आज हम तुमको बताते हैं, खीर हर घर में बनती है, हर किसी के यहाँ बनती है, बहुत अच्छे से लोग बनाते हैं, पर कछु कछु लोगों को ना आती इतने अच्छे से। क्या है कि किसके यहाँ चावल थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, कभी खीर में दूध और चावल एक जैसो नहीं हो पाते, कभी मीठ हो ज्यादा हो गया हो, मतलब कछु कछु रह जाते हैं। कई लोगों ने कही हमसे इस बारे में कि गुड्डन भाभी तनिक हमको खीर बताए दो, वादिना तुम्हारे यहाँ खीर खाई थी तो वो खीर हमको बहुत अच्छी लगी, तो हमने उस दिन बता दी थी तुमको, लेकिन भूल गई। बोली कि आप तो वैसे ही वीडियो बना के फिर से डाल दो, तो हमने कही अच्छी बात है, हम फिर से बता देते हैं और लोगों को भी बता देते हैं। तो चलो हम आज बता देते कि खीर कैसे बनानी है तुमको। खीर के लाने तुमको क्या करना है, दूध लेना है, किसी का भी जैसा पसंद है कि भैया कुछ लोग गाय का दूध पीते हैं तो उनको गाय के दूध की खीर पसंद आए, कुछ भैंस का दूध ले हैं, कुछ बकरी का दूध, बकरी का लेकिन कम लेते हैं, और पैकेट का दूध भी ले लेते हैं अब कई लोग। कोई सा भी पैकेट जो तुम्हारे यहाँ मिल जाए ना, वो पैकेट ले लेना तुम, तो अच्छी बने, गाढ़ी खीर बनाते। वैसे वहां में जो ना गोल्ड वाला जो दूध रहता है वो लेना, तो अच्छी खीर बनेगी। और एक बात और बता दें हम कि खीर को उबालते टाइम उसकी मलाई के लिए तुम लालच मत करना, दूध में मलाई पड़ी रहने देना, उससे क्या होते है कि खीर अच्छी बने। तो तुम्हें खीर के लाने का करना है, पहले ले लो 1 किलो दूध, ठीक है, और उसके बाद में 1 मुट्ठी चावल ले लो, बासमती की किनकी आती है बारीक वाली वो ले लो तुम, नहीं तो वैसे चावल ले लो जो तुम्हारे पास हो, वो कोई से भी चावल ले लो, पर बासमती की किनकी मिल जाए तो अच्छा है। कुछ लोगों को पसंद होते थोड़ा सा घी में चावल को भूंज के, फिर थोड़ा पीस के और फिर डालते हैं, तो अगर तुमको वैसा करना है तो तुम वैसे भी कर सको। तो पहले क्या करना, सबसे पहले गैस जरूर जला लियो, ना तो पिछली बार की तरह हमसे कहोगे गुड्डन भाभी तुमने हमसे जे तो कही नहीं कि गैस जलानी है, अरे तो जे कौन सी बात होती है, तेल गर्म कैसे होगो, ये तो जैसे अपनी अंडरस्टूड वाली बात है, पर हम फिर भी इस बार बताए दे रहे हैं कि पहले गैस जला लेना, लाइटर से या दिया सलाई से जैसे तुमको जलानी हो तुम वैसे जला लेना। भगोना लेना, थोड़ा भारी तले को भगोना हो तो अच्छा रहता है कि काहे से उसमें ना जे खीर भी नीचे लगे ना है, नहीं तो कई बार खीर जल जाती है। और अगर तुम्हारे पास हल्के तले का भी भगोना है तो चिंता नहीं करना, जब थोड़ा सा उबाल आ जाए सब डाल देना, तो नीचे तवा रख के उसके ऊपर भगोना रख देना, ना लगेगी फिर खीर। तो पहले अच्छे से दूध को उबाल लो और टाइ लो, और जब तक चावल को एक तरफ भिगो दो, थोड़े भीग जाते ना चावल तो पकने में अच्छे रहते हैं। अब जे नहीं करना कि एक तरफ तुमने कुकर में चावल उबाल दे, एक तरफ दूध उबाल दो, फिर बाकी बाद वो चावल उसमें डाल दे मिला के घोट के, और थोड़ा सा काजू किशमिश और इलायची डाल के खीर दे दे, कहां से आ जाएगा खीर में स्वाद। भाई खीर ऐसे थोड़ी ना पकते, अच्छे से पकाना पड़ता है, वहां में टाइम लगाते है, वो धीमी आंच पे तू थोड़ा इश्क पका, वैसे ही तू थोड़ी सी खीर को और क्या कहते हैं दूध को अच्छे से पका, जितना रगाड़ते हैं ना दूध को टेस्ट उतना अच्छा आता है। धीमी आंच पे जब तुम्हें लगे ना कि जो है दूध थोड़ा गाढ़ापन होने लगो है, थोड़े से अच्छे से उबाल आ जाए, तो वो जो तुमने चावल भिगो के रखे वह अच्छे से धो लेना पानी से, अच्छे से कई पानी से अच्छे से धो धा के फिर उसमें चावल को दूध में डाल देना, दूध के साथ ही पकन देना, वह बीच बीच में हिलाते रहने जरूरी है, ना तो नीचे लग जाएंगे ना चावल, उनको बीच बीच में हिलाते रहना। अब इतनी देर में तुम क्या करोगे, इतनी देर में बादाम काजू चिरौंजी और तुम्हारी ये किशमिश पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो मत लेना, और जो भी तुमको डालने ड्राई फ्रूट मेवा उनको थोड़ा बारीक बारीक काटना, जे ना कि साबत लिए और मुट्ठी भर के डाल दे तुमने उसमें, और जो उसको खीर दी तुमने खाने के लाने वो बेचारे के दांत ही ना है, जो बचे खुचे दांत है वो उनको चबाने में निकल के आ गए हाथ में,
है ना, ऐसा नहीं करना, थोड़े बारीक बारीक काट लोगे तो अच्छे भी लगे हैं खाने में, तो बड़े बड़े से नहीं अच्छे लगते हैं, टेस्ट नहीं आता। मतलब खीर में ऐसा नहीं कि ज्यादा मेवा डाल दी हमने तो वहां से टेस्ट आएगो, ना ऐसा ना आएगो टेस्ट। तो क्या करना है, 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल वो तुमको डालने। ये पिछली बार तुमने कहीं हमें बताया हो ना कितो डालनो है, किसमें कितो नहीं डालनो। अब हमें क्या पता कि तुम लोगों को जाए थोड़ा भी अंदाज ना है, तो हमने जे अंदाज तुमको बता दो। अब जब तक तुम ये मेवा वेवा काट रहे और फिर इलायची कूट लेना थोड़ी सी खुशबू के लाने, केसर डालना चाहो तो केसर को ले लेना, थोड़े से गर्म गुनगुने से दूध में लेके केसर को डाल के ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमा लेना तो अच्छे से रंग आ जाता है केसर को। उसको बाद में, लेकिन अभी ना डालनी, बाद में डालनी, फिर बीच बीच में देखते रहो। जब देखो कि चावल अच्छे से पक गए हैं, ऐसे दबा के देखना चावल को यूं करके कि हाँ दब गए चावल, अच्छे से पक गए। फिर उसके बाद में जो है तब भी ऐसे नहीं कि उतार दे थोड़ा सो आगो तो हो गई खीर, ना ना, थोड़ी गुलाबी रंगत आने दो दूध की। कई कई लोग क्या कर रहे हैं कि खीर जल्दी बनाने के मारे वो जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो भी डाल देते हैं। जब खीर में अच्छे से उबाल आ जाता है, चावल और दूध एक सार होने लगते ना, मैं एक जैसे, ये नहीं कि दूध अलग और चावल अलग, ऐसे नहीं, जब वो थोड़े मेल खाने लगे है ना, तब फिर उसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल देते। तो वो भी कर सके हो, ऐसा कछु ना है कि जय तुम वो ने अगर डाल दो तो तुम्हारी खीर को टेस्ट अच्छा ना आए, वो ऐसा ना है, वो गाढ़ी कर देती है। पर जितो तुम पकाओगे ना खीर को, वो बाद में डालने के लाने हैं, अच्छे से पका के जब गुलाबी सा दूध का रंग हो जाए फिर डालना उसमें 1 मुट्ठी चीनी। मतलब 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी चीनी डाल दो तो उत्ते में तुम्हारा बन जानो है हिसाब किताब। कछु कछु लोगों को रहता है कि मीठो तेज चाहिए, कछु को चाहिए कि मीठो हल्को चाहिए। तो मतलब जेना कि गुड्डन भाभी ने कह दी है कि इतनी डालनी है तो इतनी डालनी है, अपने स्वाद के हिसाब से तुम डाल लेना, ठीक है। और फिर जब वो अच्छे से पक जाए, गुलाबी हो जाए, चावल भी मिल जाए, चीनी सबसे बाद में डालते हैं, ऐसे नहीं डालते कि पहले से डाल दो, तो वो उससे क्या होगा कि तुम्हारा चावल पकेगो नहीं, फिर तुम हमसे शिकायत करोगे गुड्डन भाभी चावल तो पको नहीं, जैसे तो हम कुकर में सीटी लगा देते चावल में तो अच्छा पक जाते चावल है, तुमने हमारी गैस गैस की इतनी चिंता मत करना भी, गैस बचाने के चक्कर में पड़ेगा तो तुम्हारी खीर तो अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ा सो जाए तुम्हें खर्चो तो करना ही पड़ेगा, जे इतो नहीं अच्छो लगते लगेगो थोड़ा टाइम, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा खीर में, पर खीर ऐसी बनेगी कि लोग बाग जो है खीर बर्तन में डाल के खा गए, उसके बाद में बर्तन खाली हो गया फिर भी चाटे जा रहे हैं, ऐसी खीर बनेगी जो तो तुम हमसे लिखवा के रख लो, गारंटी है। हाँ, और हमसे मत कहना कि हम तुम्हारे घर कब आए खीर खाने, हमें कब खवाओगी, हम तुमको बता रहे हैं कि कैसे बनाते, कछु सीख ले हो, सब काम गुड्डन भाभी को ही करने हैं, का कि बना के तुमको रेसिपी भी बताएगी गुड्डन भाभी और फिर अपने घर बुला के खिलाएंगी भी, कभी हमें भी बुला लो अपने यहाँ पे खीर खाने तलाने। तो जब तुम्हारी ये खीर में अच्छे से पक गई ना, उसमें अच्छे से उबाल आ गए, गुलाबी रंग हो गए, उसके बाद में तुम डाल दो उसमें चीनी, और कंडेंस्ड मिल्क अगर डाल रहे हो ना तो फिर उसमें चीनी मत डालना, का ऐसे वो कंडेंस्ड मिल्क जो होता है वही मीठो होता है, काफी मीठो होता है, तो थोड़ा सा ही डालियो उसमें, बहुत ज्यादा कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया तो जो तुम्हारा मीठो है ना तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। अब जब ये सब कर लोगे पक जाएगी खीर, भाई में अच्छे से सब चीनी भी मिक्स हो गई, फिर भाई गैस को बंद कर दो, और गैस बंद करके फिर जो तुमने मेवा कतर के रखी ना काट काट के बारीक बारीक सी, वो मेवा लेके और उसमें खीर में अच्छे से डाल के मिला दो, इलायची पाउडर भी डाल दो, हो गई खीर तैयार। कोई ज्यादा इतने वो नहीं है कि बहुत भारी भरकम काम है, जे करनो तो करनो, कछु तो ना करनो, बस थोड़ो सो पेशेंस रखनो है तुमको, जाए धीमी आंच पे पका के मीठी मीठी खीर खाओ, मीठे मीठे रहो, खुश हो जाओ। और का अगली रेसिपी हम फिर से बताएंगे, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लो, मिलते हैं।